तो गाइस 10:30 हो रहा है और लग बिल्कुल रहा कि 10:30 हो गया है, और क्योंकि मौसम एकदम ठंड जैसा लग रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। आज हम लोगों ने शूट करने को सोचा था जनेश्वर जाने के लिए सोचा था, लेकिन ऐसा अगर माहौल रहेगा तो कौन जाएगा, बिकॉज शूट तो हो पाएगा नहीं, बिकॉज जिस सिचुएशन में हमने शूट किया था उस सिचुएशन में थोड़ी धूप थी, अभी बहुत एकदम बरसात से मौसम जैसा है ठंडा। सो गाइस आज सारा काम हम छोड़ करके ना हम बनाने बैठ गए हैं आरू का मॉडल, ठीक है, मतलब ये क्या बोलते हैं, हम पिक्चर बनाना छोड़ देंगे और मॉडल बनाएंगे आज से, ठीक है। सबसे बड़ी बात जयपुरिया स्कूल की बिल्डिंग बनाना, सॉरी बनाओ मॉडल, बनाओ मॉडल बनाना बहुत जरूरी है, इससे बच्चे क्रिएटिव होते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे नहीं, इसमें ना मम्मी पापा और पेरेंट्स क्रिएटिव होते हैं, बच्चे नहीं होते। तो आप खुद सोचो ना, एक कितना यूकेजी, ना यूकेजी का बच्चा अगर ये सब बनाएगा तो बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। मैम देखिए कितना टाइम लगेगा इसमें, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, लेकिन लगने वाला है। स्ट्रक्चर भी हमारी भाभी भी आ गई है काम करने के लिए फाइनली। एक्चुअली भाभी क्या बोलते हैं ना, सीखना स्टार्ट कर दी क्योंकि राशु के बच्चे बनाने पड़ेंगे ना, तो इसलिए भाभी भी प्रैक्टिस के लिए लग गई हैं, और दीदी जो है तो लगी हुई है। ये लो। अगर कोई ये व्लॉग देख रहा है रिलेटेड टू कलाकार कैमरा, तो ये बिल्कुल भी हम नहीं करते हैं, ठीक है ना, पहली बार कर रहे हैं एडिटिंग छोड़ छाड़ के, बिकॉज ऑफ आरू। 5-6 घंटों में ये स्ट्रक्चर ढांचा खड़ा हुआ था यार, और ये कुछ मेरे ऑफिस का हाल हो रखा है, पहली बार ऐसा मैंने देखा है। गाइस फाइनली ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है बड़ी मुद्दतों के बाद में, देखने में तो अच्छा खासा लग रहा है टिकटॉक। सबके चेहरे और मेरे ऑफिस का हाल जरा देख लीजिए आप लोग, बस सिर्फ क्या हो रखा है, ऑफिस का हाल कुछ यूँ हो रखा है, लग ही नहीं रहा ये मेरा ऑफिस है। फाइनली जो मेहनत थी वो ख़त्म हो गई है, और ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसा दिख रहा है, और काफी मेहनत की यहाँ, बस वो सब कुछ डाल दिया। मैंने सोचा है कि पीछे ग्राउंड भी होना चाहिए था। बेटा अब कुछ मत सोचो, तुम बहुत सोच लिया तुमने, तुम्हारे सोचने चक्कर में इतना कुछ करके बैठे हम लोग। तो ये हम लोग नया लोकेशन ढूंढा है, मतलब देखते हैं यहाँ पे शूट करके आगे। पहले हम लोग जनेश्वर शाह पार्क जाने वाले थे, लेट्स सी, ये पूरा वहाँ से एंट्रेंस है, एक वो गेट है और एक ये गेट है, लेकिन खुला एक ही गेट है। तो अभी तो हमने सारी जगह फुटेज ले ली है, और अभी हम लोग 1 घंटे के अंदर यहाँ आने वाले हैं, देखते हैं कौन सा प्लेस सही लग रहा है। लेकिन यहाँ नॉइस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वही जस्ट बगल में सड़क है वहाँ पे, तो हम लोग को डबिंग में देखते हैं दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं लखनऊ के लिए बुक कर रहा था, प्रेफर कि लखनऊ चलते हैं, वहाँ पे शांति मिल जाएगी। लोकेशन मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है सीरियसली, थोड़ा हैक्टिक करवा दो। सो गाइस आज बहुत ही ज़्यादा रश था, और अभी बस खाना खा के बैठा हुआ हूँ, कुछ एडिटिंग करनी है। एक मुझे फिर से एनिमिनस गिफ्ट आया है, आई डोंट नो ये कौन सेंड कर रहा है, मुझे नहीं पता, ये इस बार IGP से आया हुआ है, एंड IGP आई डोंट नो इसमें क्या है, लेकिन जो भी है इसको हम जल्दी ही कल इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, और अनबॉक्सिंग करने वाले दिखाएंगे क्या है ये। एंड प्लीज़ यार जो भी सेंड कर रहे हो प्लीज़ मेंशन योर नेम विद दिस, ठीक है ना, मेंशन करोगे तो मुझे खुशी होगी कि हाँ मैं तुमको थैंक्स तो बोल सकता हूँ ना एक्चुअली, ठीक है, तो ज़रूर मेंशन करना। तो आज का व्लॉग इतना ही, और अरे हाँ मैं आपको इनसे मिलाना भूल गया, ये हमारे तीन क्यूट से सिम्बाज हैं जो हम लेकर के आए थे उस दिन शॉपिंग से, तो फाइनली हमने यहाँ प्लेस कर दिए इनको, कैसे लग रहे हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में।